नमस्कार, प्रणाम, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से बोधिसत्व पीसीएस में। बहुत दिनों के बाद हमारी मुलाकात हो रही है, बीच में गैप हो गया था काफ़ी लंबा, इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। मैंने आपको प्रीवियसली बताया था कि हम पटना शिफ्ट कर रहे हैं, ऑनलाइन सेंटर हमारा पटना में खुल चुका है, विकना पहाड़ी पटना 4 रिमझिम होटल के जस्ट बगल में। तो कोई भी दोस्त यदि हमसे फिजिकली मिलना चाहते हैं, फेस टू फेस मिलना चाहते हैं, तो हमारे ऑफलाइन सेंटर विजिट कर सकते हैं। माय डियर फ्रेंड, वी आर वेरी हैप्पी टू अनाउंस दैट कि 4 फरवरी से हम 70 BPSC टारगेटेड प्री कम मेंस बैच फॉर टेस्ट सीरीज शुरू कर रहे हैं। साथ में 5 फरवरी से फाउंडेशन बैच भी शुरू हो रहा है फॉर 70 BPSC एग्जामिनेशन। माय डियर फ्रेंड, तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हमारा जो टेस्ट सीरीज शुरू किया जा रहा है हमारे द्वारा फॉर 70 BPSC प्रीलिम्स एग्जामिनेशन, इसके शेड्यूल्स के बारे में और इनके इसमें जो भी फीचर्स हमारे द्वारा प्रोवाइड कराए जाएंगे, जो भी सर्विसेज प्रोवाइड कराई जाएंगी, इन सारी चीज़ों के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। हमारे फ्रेंड, ठीक है, तो चलिए एक एक करके शुरू करते हैं। और हाँ, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन जरूर दबा देना। माय डियर फ्रेंड, देखिए, हमने पहली बात शुरुआत करी है हिस्ट्री से। हिस्ट्री इज क्वाइट इंपॉर्टेंट फॉर BPSC एग्जामिनेशन, और इधर यू आर प्रिपेयरिंग फॉर BPSC और अदर स्टेट PCS और IAS एग्जामिनेशन, NCERT काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो चुका है। और बहुत सारे लोग कहेंगे कि सर, बिना NCERT के भी बहुत सारे लोग क्लियर कर देते हैं। ऑब्वियस एक्सेप्शन बहुत हर एक जगह होता है, बट बहुत ज़्यादा नहीं होता है। यदि बहुत ज़्यादा होता तो उसे एक्सेप्शन नहीं बोला जाता। माय डियर फ्रेंड, ठीक है, अब यहाँ पे मैं एक एग्जांपल देना चाहूँगा, उसके बाद शेड्यूल के बारे में चर्चा कर देंगे। शेड्यूल कोई बहुत मतलब इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है, शेड्यूल मैं आपको सेंड कर सकता हूँ। हमारे जो टेलीग्राम ग्रुप है, नीचे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक भी दिया गया है, यदि आप चैनल पर नए हैं तो उसे क्लिक करके ज्वाइन कर लेना। सबसे पहले व्हाई NCERT इज इम्पॉर्टेंट एंड व्हाई वी आर इम्फसाइजिंग ऑन NCERT, ठीक है। उसके बाद यदि अपना स्टैटिक पोर्शन इससे डेवलप कर लेते हो NCERT से और उसमें करंट का इनपुट देते हो ना, तो आपकी सिलेक्शन के मार्ग में कहीं कोई बाधा मेरे हिसाब से उत्पन्न नहीं होनी चाहिए। माय डियर फ्रेंड, ठीक है, अब एक बार मैं आपको बताना चाहूँगा कि चलिए देखिए, मान लीजिए कि आप 6th कक्षा की NCERT पढ़ रहे हो, ठीक है, क्लास सिक्स एनसीईआरटी हिस्ट्री के बारे में यू आर स्टडिंग अबाउट, ठीक है, हिस्ट्री। अब देखो, यहाँ पे एक चैप्टर है, आप सबने पढ़ रखा होगा प्रीवियसली, यदि आपने पढ़ा होगा, अपने से प्रिपरेशन कर रहे होंगे तब भी आपने पढ़ा होगा, ये जन और संघ के बारे में, ठीक है, और दोनों को कंबाइंड कर दो, दैट विल बी कन्वर्टेड इंटू जनसंघ। तो उसमें एक केस स्टडी दिया है, अमूमन आप सबको पता होगा कि हमारा जो वैशाली है इसमें प्रीवियसली क्या थी, कॉपरेटिव एडमिनिस्ट्रेटिव व्यवस्था थी, कॉपरेटिव एडमिनिस्ट्रेशन की व्यवस्था थी, वज्जी संघ की राजधानी थी ये वैशाली। तो वज्जी संघ में ये व्यवस्था थी कि किसी भी पार्टिकुलर टॉपिक पे डिसीजन लेने से पहले उस उन पार्टिकुलर जनसंघ के जो भी लीडर्स थे, जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव हेड थे, आपस में बैठ के डिस्कशन करते थे, उसके बाद किसी भी पॉइंट पे वो डिसीजन लेते थे, चाहे वो युद्ध हो या जनरल नित क्रियाकलाप हो एडमिनिस्ट्रेटिव व्यवस्था की, ठीक है, जिसका उन्होंने नाम दे दिया था, गणतांत्रिक व्यवस्था का नाम दे दिया था, ठीक है, सबसे पुराना गणतांत्रिक व्यवस्था माना जाता है। इसके साथ साथ कंपैरेटिव स्टडी दिया गया है यहाँ पे यूनान के बारे में, ठीक है, यूनान और एथेंस के बारे में बताया गया है कि यूनान और एथेंस के लोग भी लोकतांत्रिक व्यवस्था, डेमोक्रेटिक व्यवस्था का इन्होंने डेवलपमेंट किया था। वहाँ पे ये थी कि जो भी डेमोक्रेटिक उनकी सोसाइटी थी या मेंबर्स थे उसमें पार्टिकुलर सोसाइटी में, वो साल में 40 बार उनकी मीटिंग अनिवार्य थी वगैरह वगैरह, उसके बाद डिसीजन लेते थे किसी भी टॉपिक पर, साथ में औरतों को कहीं भी कोई भी लोकतांत्रिक प्रक्रिया में भाग लेने की मनाही थी, उनको नागरिकता वगैरह प्रदान नहीं करी गई। यदि आप जनरल पर्सपेक्टिव से देखोगे तो आपको नजर आएगा यह केवल तथ्यात्मक जानकारियां। अब मान लो यू हैव ऑलरेडी स्टडीड अबाउट दीज टू टॉपिक्स इन क्लास सिक्स NCERT हिस्ट्री, आपसे एक ऐसे पूछा गया मेंस एग्जामिनेशन में, मान लीजिए 17वीं BPSC मेंस एग्जामिनेशन में, वर्तमान विश्व व्यवस्था में लोकतंत्र दिशा और दशा पे ऐसे लिखो, तो क्या यहाँ से 6th कक्षा में जो आपने चीज़ें पढ़ी है इसका इनपुट आप ऐसे राइटिंग में दे सकते हो कि नहीं दे सकते हो? ऑब्वियस दे सकते हो,
ठीक है, पर्सपेक्टिव चेंज हो गया, नजरिया चेंज हो गया, कहाँ प्रिलिम्स के लिए यूटिलाइजेशन करने की आवश्यकता है, व्हाट एवर यू आर गेनिंग फ्रॉम लर्निंग क्लासिक्स एनसीईआरटी हिस्ट्री, और कहाँ मेंस के लिए, उसमें भी स्टैटिक पोर्शन या एससी के लिए, ये सारी चीज़ें कहाँ से मिल रही हैं, क्लास छठी कक्षा की एनसीईआरटी से। तो हमारा प्रयास ये है, चाहे मैं आपको टेस्ट सीरीज आप हमारे यहाँ ज्वाइन करो या ऑनलाइन ऑफलाइन ज्वाइन करो, या जो भी वीडियो फ्री ऑफ कॉस्ट मैं यूट्यूब पर अवेलेबल कराता हूँ, कहीं भी कंटेंट से कोई कंप्रोमाइज आपको देखने को नहीं मिलेगा। देखो, एक टीचर का मूल कर्तव्य है आपको नजरिया प्रोवाइड करना। मैं हमेशा कहता हूँ कि छठी कक्षा के एनसीईआरटी में कोई क्या ही पढ़ लेगा और पढ़ा देगा, लेकिन जो मैं नजरिया आपको दे रहा हूँ वो क्वाइट इंपॉर्टेंट है फॉर क्रैकिंग द बीपीएससी एग्जाम नाउ इन नाउ अडेज, ठीक है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो गया है, इस बात को आप ध्यान में रखना। इसी फिलॉसफी पे आपके दिमाग को काफ़ी ज़्यादा फ्लेक्सिबल बना दें, ताकि बीपीएससी भी किसी भी तरीके का गेम आपके साथ अगर खेलता है तो उस गेम में बीपीएससी आपके मेधा शक्ति से, आपके मेहनत से धराशाही हो जाए, ना कि बीपीएससी के द्वारा आप, माय डियर फ्रेंड। तो इसी फिलॉसफी पे आधारित हमारा जो प्रिलिम्स का टेस्ट सीरीज शुरू हो रहा है, विच इज़ क्वाइट इंपॉर्टेंट, एक एक क्वेश्चन पे आपको वर्क देखने को मिलेगा माय डियर फ्रेंड, ठीक है। इस बात को ध्यान में रखना, एक एक प्रश्न में हमारा इनपुट रहेगा, दिमाग लगा रहेगा, वर्ल्ड गेम रहेगा, ताकि आपको हम छकाने की कोशिश करें और इतना बार हम अभ्यास करा दें ताकि आप बीपीएससी के एग्जाम हॉल में जाओ तो इजी गोइंग प्रोसेस हो जाए प्रीलिम्स क्रैक करना और मेंस क्रैक करना आपके लिए माय डियर फ्रेंड, ठीक है। तो 4 फरवरी से हमारे द्वारा शुरू किया जा रहा है यह टेस्ट सीरीज, आप हमसे जुड़ के आप अपने प्रिपरेशन का पेस और स्टैंडर्ड दोनों मेंटेन कर सकते हो। 4 फरवरी को छठी से सातवीं कक्षा की एनसीईआरटी का टेस्ट है, फिर एक सप्ताह में एक बार, और इसमें होगा क्या कि हम आपको 150 एमसीक्यू प्रोवाइड कराएंगे। 150 एमसीक्यू में दिया गया जो स्टैटिक पोर्शन है पार्टिकुलर विषय वस्तु से, चाहे हिस्ट्री हो, पॉलिटी हो, इकोनॉमी हो, ज्योग्राफी हो, बिहार स्पेशल हो, ये सारी चीज़ों के साथ वीकली करंट का इनपुट भी रहेगा माय डियर फ्रेंड। एक सप्ताह में जो भी करंट अफेयर्स का डेवलपमेंट होगा वो सारी चीज़ों का इनपुट इसमें होगा, ठीक है। इसका जो चार्ज है ऑनलाइन के लिए मात्र 1500 रुपये है, पूरा 30 मिनिमम 30 टेस्ट हमारे द्वारा इसमें समाहित किया गया है। तो ऑनलाइन के लिए 1500 रुपया और ऑफलाइन के लिए 2100 रुपया टेस्ट सीरीज का चार्ज है। तो यदि आप ऑनलाइन माध्यम में जुड़ना चाहते हो या ऑफलाइन माध्यम में जुड़ना चाहते हो, हर एक टेस्ट के बाद आपको एक्सप्लेनेशन पेपर भी मिलेगा, ऑनलाइन वालों को पीडीएफ फॉर्म में दिया जाएगा और ऑफलाइन वालों को फिजिकली फॉर्म में पेपर पे प्रिंटेड रूप में दिया जाएगा। और पेपर पे केवल मान लीजिए कोई क्वेश्चन है ना, मान लीजिए पार्टिकुलर क्वेश्चन नंबर 1 है, तो इस क्वेश्चन नंबर 1 में जो जानकारियां हैं वो तो दी ही जाएंगी, साथ में जो गेम प्रोसेस है उस पार्टिकुलर क्वेश्चन में समाहित है, उस गेम प्रोसेस को डिकोड भी किया जाएगा। जैसे अमूमन मैंने एग्जांपल दिया है ना आपसे, कई बार एग्जांपल दिया है कि 64वीं बीपीएससी में, शायद 64वीं या 65वीं बीपीएससी में, शायद 64 में ही पूछ दिया था कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कितने दिनों तक अनुपस्थित रहेंगे तो उनकी सदस्यता रद्द कर दी जाएगी, और पहला ही ऑप्शन दे दिया था 2 महीना 3 महीना 4 महीना, बहुत सारे लोग 2 माह मार के आ गए थे। तो ये वर्ड गेम था। अब 2 माह में क्योंकि अब मैंने जब बताया कि 2 माह गलत है, 60 डेज होगा, तो बहुत लोग कह रहे थे सर 60 डेज इक्वल टू 2 महीना, तो मैंने कहा कि जो रनिंग पीरियड होता है ना उसमें 60 डेज की अनुपस्थिति अगर कोई करता है बिना नोटिफाई किए हुए, बिना किसी एप्लीकेशन के, तो उसकी सदस्यता जो है रद्द हो जाती है माय डियर फ्रेंड। तो यही गेम है, तो गेम प्रोसेस को भी मैं डिकोड करने की कोशिश करूंगा, ताकि आपको कहीं भी स्टैंडर्ड से, क्वालिटी से कहीं कोई मैनेज न करना पड़े अपने प्रिपरेशन के दौरान, और आपका जो अल्टीमेट गोल है टू क्रैकिंग बीपीएससी एग्जाम और बिहार को अपलिफ्ट करना और अंततोगत्वा देश के विकास में बिहार को जो प्राचीन काल में चमकता ललाट था हमारे पूरे भारतीय उपमहाद्वीप का, बिहार को उस लेवल तक ले जाना, ये कब पॉसिबल होगा, जब आप मेधावी बनोगे, विवेकशील बनोगे। तो आप में विवेक का फीड करना, आपको स्मार्ट बनाना इंटरनली और आउटवर्ड तरीके से भी, ये हमारा मूल कर्तव्य है, ठीक है। तो आप हमसे जुड़ने के लिए ये हमारा नंबर है 97170-58805, इस नंबर पे कॉल करके, व्हाट्सएप करके हमसे जुड़ के आप अपने प्रिपरेशन का पेस और स्टैंडर्ड दोनों मेंटेन कर सकते हो माय डियर फ्रेंड। और ये जो टोटल शेड्यूल है मेरे द्वारा टेलीग्राम लिंक पे सेंड कर दिया जाएगा, इसका पीडीएफ फॉर्म में नीचे दिए गए वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स
में टेलीग्राम का लिंक है, उसमें सेंड कर दिया जाएगा। इसे आप डाउनलोड कर लेना, प्रिंट आउट निकाल लेना और अपने एक जो भी आपकी स्टडी टेबल है उसके सामने चिपका लेना, ठीक है। तो यही है ये सारी चीज़ें। मैं ये समझता हूँ कि इसको डिस्क्राइब करना, मतलब एक एक पॉइंट को कि इस दिन ये है, जैसे चौथी 4 फरवरी को छठी सातवीं एनसीईआरटी हिस्ट्री है, फिर 11 फरवरी को, मतलब एक एक सप्ताह के अंतर पे सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड कराई जाएंगी और ये सारा चीज़ इसमें एनसीईआरटी कवर कराया जाएगा, ठीक है। सारे एनसीईआरटी, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, बिहार स्पेशल, करंट अफेयर, सब कुछ है और लास्ट में 7 फुल लेंथ टेस्ट है। मिक्स टेस्ट की बात करी जा रही है अगस्त में, ठीक है। तो ये था हमारा टोटल शेड्यूल फॉर प्रीलिम्स एग्जामिनेशन। यदि आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो अगेन आई वुड लाइक टू रिसाइट माई नंबर 97170-58805, ये हमारा नंबर है। इस पे कॉल करके, व्हाट्सएप करके हमसे जुड़ के आप अपने प्रिपरेशन का पेस और स्टैंडर्ड दोनों मेंटेन कर सकते हो। आपने अपने आप कीमती समय मेरे साथ व्यक्त किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।